जय हिंद। चलिए हम समझते हैं इंडियन रेलवे में यूज होने वाले दो फेमस कोचेस के बारे में। एक ये नीले रंग वाली ICF और दूसरी लाल रंग वाली LHB। ये नीले रंग का कोच का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये फैक्ट्री चेन्नई में है। दूसरा ये लाल रंग का LHB कोच का फुल फॉर्म होता है लिंक हाफ मेंट बुश, ये जर्मनी की कंपनी है। इसको कपूरथला और रायबरेली में बनाया जाता है, हालांकि अब तो ICF चेन्नई में भी इसको बनाना शुरू कर दिया है। ICF कोच को 1952 से बनाना शुरू किया गया था, जिसकी वजह से ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, और LHB कोच को सन 2000 ईस्वी में लाया गया है। ये नई मॉडल टेक्नोलॉजी है जिसको अभी इसको ही यूज़ किया जाएगा। धीरे धीरे करके आपको जो ICF कोच या रेक दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे करके इसको हटा दिया जाएगा। ये ICF कोच है ना, ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, जिस वजह से LHB कोच की तुलना में काफ़ी भारी होता है। LHB कोच माइल्ड स्टील की बनी हुई है, जिस वजह से ICF कोच की तुलना में काफ़ी हल्का होता है। ICF कोच में एयर ब्रेक का यूज होता है, जिस वजह से ये काफ़ी दूरी पे जाके रुकती है, जबकि ICF कोच में एयर ब्रेक का यूज होता है, जिस वजह से ये काफ़ी दूरी पे रुकती है, और LHB कोच में डिस्क ब्रेक का यूज होता है, जिससे कम दूरी पे जाके रुक जाती है, जिस वजह से ये LHB कोच ICF कोच की तुलना में अच्छा होता है। ICF कोच में मेंटेनेंस का भी खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, जिस वजह से भारतीय रेल इसको हटाना चाहती है, और इसका हर एक 18 महीना पर आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है, और LHB कोच में आपको 24 महीने का होता है। ICF कोच होता है ना, एक्सीडेंट के वक्त एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, जिस वजह से भारी जान माल का नुकसान होता है। LHB में ऐसा नहीं होता है, LHB का जब एक्सीडेंट होता है तो साइड में हो जाता है, बाकी उस जान माल का नुकसान नहीं होता है, जिस वजह से काफ़ी सेफ है। LHB कोच में दो सस्पेंशन दिया गया है, एक प्राइमरी सस्पेंशन और एक सेकेंडरी सस्पेंशन, और बीच में हाइड्रोलिक का यूज किया गया है, जिस वजह से ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और ICF कोच में स्प्रिंग का यूज किया गया है, जिस वजह से ये काफ़ी बहुत भयानक आवाज़ निकालता है, और ये 80 डिसिबल का आवाज़ निकालता है। और LHB में देखेंगे ना, तो LHB में आपको 60 डिसिबल का आवाज़ सुनाई देती है, इससे काफ़ी अच्छा होता है। शायद यही सब वजह रही होगी जिस वजह से इंडियन रेलवे इसको हटाना चाहती है और LHB कोच को ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। ICF कोच में एक प्लस पॉइंट ये है, ICF कोच में खुद की बिजली बनाने की क्षमता है, और ये बैटरी से बिजली को इजॉब कर लेता है, और ये डायनेमो इसको बिजली तो दे देता है लेकिन इसका स्पीड घटा देता है। ये स्पीड है ना, 110 से लेकर 120 के बीच में रखा जाता है। LHB कोच में डायनेमो नहीं लगाने की वजह से इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, इसको 200 के स्पीड पे ट्रायल किया गया है। इसके लिए आप देखेंगे ना, तो LHB कोच के आगे पीछे एक जनरेटर कार जोड़ दिया जाता है, एक आगे एक पीछे, और आधा में सामान रख दिया जाता है, आधा में जनरेटर कार रहता है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।